अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ ए एंड बी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड और प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ये आपके पेज नंबर 69 के ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया था, इसकी चार चार प्रॉपर्टी हैं वो हम पढ़ेंगे। चार प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड की है और चार प्रॉपर्टी कोवलेंट बॉन्ड की है। तो आयनिक बॉन्ड, आप लोगों को पता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब एक एटम अपना पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड बनते कहते हैं, और इस वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जबकि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उनके शेयरिंग के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसे कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी है? जो आयनिक कंपाउंड है ये ज़्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल शक्ल में होता है। जैसे आपने साल्ट देखा होगा, साल्ट जो है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। NaCl घरों में जो साल्ट इस्तेमाल करते हैं, कॉमन साल्ट, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसी तरह से ये आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं करता जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है। मतलब जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसमें करंट नहीं गुजरेगा, लेकिन जब इसको पानी में हल कर देंगे या इसको हम पिघला देंगे, ये मोल्टन फॉर्म में होगा, तो आसानी से इसमें से करंट गुजर जाएगा। मतलब कि आपके पास है साल्ट NaCl, आप NaCl लो, उसका ढेर लगा दो, तो NaCl में से करंट गुजारो तो नहीं गुजरेगा। लेकिन उसी NaCl को, साल्ट को आप पानी के अंदर डिजॉल्व कर दो या उसी NaCl को आप मेल्ट कर दो तो उसमें से करंट गुजारो तो करंट आसानी से गुजर जाएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि जी जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके अंदर करंट नहीं गुजरता, लेकिन जब ये पिघले हुए हालत में होते हैं या ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो इनमें से करंट गुजर जाता है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे NaCl, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी इनका काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके ये मेल्ट होते हैं और बॉयल होते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी के अंदर। तो ये चार इसकी प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की। तो पहली क्या प्रॉपर्टी है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पहली प्रॉपर्टी में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनमें से करंट नहीं गुजरता, और यही जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में या पिघली हुई हालत में होते हैं तो इनमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, जैसे NaCl का 800 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, जबकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, और ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी किसी सूरत में नहीं गुजरती या बहुत ही स्लो गुजरती है। तीसरी इसकी जो है, ये पानी में हल नहीं होते, ये पानी में हल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ये पानी में हल हो जाते हैं, ये पानी में हल नहीं होते, बल्कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे अपनी ही तरह के कंपाउंड जैसे बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल में, इनके अंदर ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। पानी के अंदर ये डिजॉल्व नहीं हो पाते। इनके जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ये कोवलेंट क्रिस्टल बना देते हैं, और जब बड़े मॉलिक्यूल कोवलेंट क्रिस्टल बना दें तो वो स्टेबल और हार्ड हो जाते हैं। इसी वजह से जो बड़े मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इसके ये चार पॉइंट आपने करने हैं। पहले पॉइंट में क्या है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पानी में हल नहीं होते, और बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बुक के ऊपर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, बुक में आपने ये पेज नंबर 69 है, चार पॉइंट ऊपर से और चार पॉइंट नीचे से ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन किसी के जेहन में हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।